नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे चंद्रगुप्त नाटक और आज इसका भाग दो कर रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है, कब लिखी गई और इसके पात्र कौन कौन है, उसके बारे में हम भाग एक में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज चंद्रगुप्त नाटक को देखते हैं। इस नाटक के प्रथम अंक की अगर बात करें तो प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है, जिसमें चाणक्य और सिंहरण का आपसी वार्तालाप है। इस अंक में अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है, नंदकुल का विनाश और सभी पात्रों को संघर्षरत दिखाया गया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानें कि कौन कौन से पात्र हैं, क्या उनमें किस अंक में किस दृश्य में क्या क्या घटनाक्रम घटित होता है। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं और 2 गीत हैं। इसमें जो प्रथम दृश्य है उसमें क्या है, स्थान कौन सा है, यहाँ पर तक्षशिला का गुरुकुल है और यहाँ पर 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है। प्रमुख पात्र यहाँ कौन कौन से हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका और आम्भिक है। इन 5ों की चारित्रिक विशेषताएं संकेत से प्राप्त हो जाती है। चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहरण के बीच बातचीत करके राष्ट्र के ऊपर आने वाली जो भावी संकटकालीन स्थिति है उसकी ओर संकेत करता है। इसी दृश्य में ब्राह्मणों पर गर्व करने वाले चाणक्य की राजनीतिक दूरदर्शिता, उसका उद्देश्य और बुद्धि की कुशलता के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही सिंहरण के प्रति अलका का जो प्रेम आकर्षण है वो भी यहाँ पर इस दृश्य में देखा जा सकता है। उसकी निष्कपटता और राष्ट्रीय भावना का संकेत भी यहाँ पर मिलता है। आम्भिक के ये शब्द, बस बस दुर्दर्श बालक युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है, तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, चुप रहो, अलका ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए। सिहरण और आम्भिक की यहाँ झड़प होती है। चाणक्य और आम्भिक की बातचीत, चंद्रगुप्त का सिहरण के प्रति मित्रता का व्यवहार, अलका और सिहरण का संदिग्धतापूर्ण वार्तालाप इस अंक में प्रमुख घटनाएं हैं, इस दृश्य में प्रमुख घटनाएं हैं। दूसरे दृश्य की अगर बात करें तो इसमें मगध और सम्राटों के विलासिता को दिखाया गया है। किस प्रकार सम्राट विलास प्रिय जीवन जीना पसंद करते हैं, जिससे विलासी युवक और युवतियों का विकार दिखाई देता है, वही नंद राक्षस और सुहासिनी है। यहीं पर सुहासिनी और राक्षस का एक गीत भी आता है। तीसरे दृश्य की अगर बात करें तो तीसरे दृश्य में पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य को अकेला दिखाया जाता है। भावुक चाणक्य अपने जन्म स्थान कौन सा है, पाटलिपुत्र, देखकर अपने पिता तथा शक्तार के वंश पर राजकीय विपत्तियों का संकेत पाकर विषय की दिशा का दृढ़ निश्चय करता है। जो तत्कालीन सम्राट है उसके राज्य में बदलाव लाने का आवेश में वो उदासीन होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय भी करता है। ये दोनों प्रवृत्तियां उसके मानसिक द्वंद का सूचक है। चाणक्य ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था चंद्रगुप्त के माध्यम से, उस परिवर्तन की जो जड़ें हैं वो यहीं से जमती हुई दिखाई देती है। शैशव काल की स्मृति उसकी हार्दिक भावना की ओर संकेत करती है। घरों को पशु की खो यानी पशुओं के रहने का जो स्थान है, गुफा है, कहकर उसका संकोच, बौद्ध धर्मानुयायी उसकी प्रवृत्ति, नंद की ब्राह्मण जाति के प्रति उपेक्षा, चाणक्य के हृदय में नंद के प्रति विरोध एवं प्रतिकार की भावना का बीजारोपण करती है। देखिए, नंद ने ही चाणक्य का अपमान किया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद के स्थान पर राजा बनाया था। इसी दृश्य में चाणक्य मगध को उलट देने का संकल्प लेता हुआ खंभा खींचकर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। चौथे दृश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं, अपने जीवन के मधुमेह भविष्य की रूपरेखा एक दूसरे के सामने रखते हैं। सुवासिनी अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है।
बाद में प्रेम की बलि वेदी पर मर मिटने के लिए दृढ़ निश्चय होकर सुहासिनी के कथानुसार ही बोध मत का समर्थक बनने को तत्पर हो जाता है कौन, जो राक्षस है। तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ आती है, जो उसे तक्षशिला से लौटे हुए सनातकों की सूचना देती है। इसी उपवन में दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश भी होता है। पांचवें दृश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर मगध में नंद की राजसभा का दृश्य है। यहाँ अमात्य राक्षस के साथ साथ नंद को तक्षशिला से लौटे हुए सनातकों के शिक्षा पूर्ण करने की सूचना मिलती है। वरिष्ठ मंत्री वर रुचि की तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मान पूर्ण भावना प्रकट होती है। उसी सभा में चाणक्य का आगमन होता है, जो राज्य पर आने वाले संकट की चेतावनी देता है। वह ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार और राष्ट्र के लिए अधूरी बताता है। उसने यह भी बतलाया कि उसने तक्षशिला विद्यालय में अध्यापक का कार्य करके मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है। अंत में चाणक्य के कथनों से नंद उसे विद्रोही ब्राह्मण कहकर निकालने की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त गुरु के सम्मान की रक्षा करना चाहता है। नंद चाणक्य की चोटी खिंचवाकर सभा से निकलवा देता है। अंत में चाणक्य बंदी बना लिया जाता है। छठे दृश्य की अगर बात करें तो इस दृश्य में सिंधु नदी के तट पर अलका, मालविका और सिहरण मंच पर आते हैं। मालविका उद्भांड का एक चित्र अलका को देती है। उसी चित्र को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है। इसमें यवन, सिहरण और सैनिक के बीच संवाद है। अंत में अलका को राजद्रोही सिद्ध करके बंदी बना दिया जाता है, पर अलका स्वतः ही बंदी होकर गंधार नरेश के पास चली जाती है। सातवें दृश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जगह और स्थान कौन सा है मगध का बंदी गृह। यहाँ राष्ट्र कल्याण एवं संपूर्ण आर्यावर्त के गौरव की रक्षा में चिंतित बंदी चाणक्य दिखाया जाता है। इस अवस्था में उसका यह प्रण है कि दया न किसी से मांगूंगा और न अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर दया नहीं करूंगा। चाणक्य राक्षस और वर रुचि के मध्य संवाद है। इसी दृश्य में चंद्रगुप्त चाणक्य को मुक्त करवा कर ले जाता है। आठवें दृश्य की अगर बात करें तो गंधार नरेश का प्रकोष्ठ है, यानी वो सभागार है जहाँ वो बैठा है। राजा, अलका, आम्भिक तीनों ही मंच पर आते हैं और अपनी अपनी मनोवृत्ति की झलक दिखाते हैं। अलका बंदी के रूप में राजा अपने पिता से न्याय कराने के लिए आती है, अर्थात अलका अपने ही पिता से, जो कि वहां के राजा है, उससे न्याय करने के लिए आती है और उनको क्या कहती है कि मैं अपराधिनी हूं, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। ये अलका के शब्द हैं कि मैं अपराधिनी हूं, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। अंत में अलका राष्ट्र प्रेम की चिंगारी की अभिव्यक्ति करते हुए अपने भाई को कुलद्रोही बतलाती हुई राष्ट्र रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांगकर घर बार छोड़कर चली जाती है। राजा अलका को खोजने जाता है, कहकर वेग से प्रस्थान हो जाता है और जो गंधार नरेश है वो भी वहां से चला जाता है। नौवें दृश्य की अगर बात करें तो इस दृश्य का स्थान कौन सा है, पर्वतेश्वर की राजसभा है। पर्वतेश्वर या पोरस, जहाँ चाणक्य और पर्वतेश्वर के बीच संवाद होता है। चाणक्य बड़े बुद्धि और कौशल से पर्वतेश्वर को बता देता है कि आने वाली विपत्ति संपूर्ण आर्यावर्त के लिए हानिकारक है। दसवें दृश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कानन पथ है, यानी जंगल का मार्ग है। प्रारंभ में अलका और सिल्यूकस की भेंट होती है, पुनः चाणक्य और चंद्रगुप्त का वहां आगमन होता है। व्याघ्र की घटना से चंद्रगुप्त और सिल्यूकस का साक्षात होता है। व्याघ्र क्या है, बाघ। व्याघ्र से अपनी रक्षा सिल्यूकस द्वारा हुई, यह जानकर चंद्रगुप्त उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को यवन सेनापति के साथ साथ बातें करते हुए देखकर अलका के मन में संदेह होता है और वह महात्मा दंडायन के आश्रम में चली जाती है। ग्यारहवें दृश्य में महात्मा दंडायन का आश्रम है, कहाँ पर, सिंधु नदी के तट पर।
भारतीय महान दार्शनिक दंडायन अपनी कुटिया के आगे बैठे हुए प्रकृति से बातें करता है, जहां एनिसाक्रिटीज, अलका, चंद्रगुप्त, यवन, चाणक्य, सिकंदर और सिल्यूकस का प्रवेश होता है। इसी दृश्य में दंडायन अलेक्जेंडर से चंद्रगुप्त को दिखाकर कहता है, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। ये सुनकर सभी स्तब्ध हो चंद्रगुप्त को देखने लगते हैं, और चंद्रगुप्त किसको देखने लगता है? कार्नेलिया को देखने लगता है। इसी घटना के साथ जो प्रथम अंक है वो समाप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि नाटक के प्रथम अंक में कौन कौन से मुख्य पात्र आए थे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ जो 11 दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक और ये दृश्य है जो आप समझ पा रहे हो और ये आपके लिए उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नाटक आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।